हाँ, ये एक रहस्य रहेगा हमेशा कि इसे क्यों गोल्डन से ब्लैक किया जा रहा है। और ये ब्रश बहुत पुराना है, ये ब्रश मेरे पास पिछले 8-9 सालों से। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा बीमार चल रहा था, इसलिए शो करने भी नहीं गया। मैंने सोचा कि रेस्ट ले लेते हैं। मन तो था कि बाहर जाऊं और शोज करूं, मिस भी कर रहा था। आज मैंने एक चेंज किया है कि फ्रेम जो गोल्डन कलर में था, मैंने उसे ब्लैक, मैट ब्लैक कलर पे कर दिया है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि मैं उस फ्रेम को ब्लैक कलर पे करूं। पिछले 2-3 दिनों में कुछ और एक्ट्स भी मैंने लिखे हैं अलग अलग, क्योंकि अब प्लान कर रहा हूँ कि मैं बीचेस पे जाकर शोज करूँ, वर्सोवा या फिर जुहू बीच और कैफेज में जाकर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो वहाँ उस एम्बियंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक्ट्स लिखे हुए हैं। एक एक सजेशन मुझे बार बार यहाँ पे मिल रहे हैं, जो मेरे दोस्त है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि शो के दौरान जो भी ऑडियंस आते हैं मैं उनके बाइट्स लूँ, कि उन्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा या फिर कैसा फील हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा, और ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है उन्हें। तो ये जो फ्रेम है अपना गोल्डन कलर पे, प्लान है कि इसे मैट ब्लैक पे कलर करूं। मुझे नहीं मालूम कि ये प्रॉपर ब्लैक पेंट करने के बाद कैसा लगने वाला है। दो लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन के साथ ये तय किया है कि इसे हम ब्लैक करेंगे, ब्लैक कलर। तो पंखे के नीचे रखना पड़ेगा। बहुत रिस्क नहीं ले लिया आपने ऐसे हाथ में पूरा उसको लेके पेंट करना? गलती वो से भी अगर क्योंकि मेरे को लग रहा है हाँ कि ये मेरे पैंट पे ना गिर जाए। अरे एक्साइटमेंट में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अभी चेक कर ये अगर मुझे ये लगा था आप इसको थोड़ा और ड्रामेटिक दिखाने के लिए पहले का न्यूज़पेपर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर इसको रखेंगे। वो ड्रामा हम अब क्रिएट करेंगे। अभी मुझे पता चल गया कि ब्लैक कलर इस पे जा रहा है, हाँ तो अब हम वो क्रिएट करेंगे। हाँ। पेपर लगाएंगे, फिर इस पे मास्किंग टेप लगाएंगे। आपके पीछे वो जो आईना है ना, आईने में घड़ी दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि दूसरे साइड में कोई कमरा है और वहां पे घड़ी लटकी हुई है। अच्छा हाँ, वहाँ शो के दौरान कुछ लोगों ने वीडियोस देखे और उन्होंने ये भी कहा है कि आप तो काफी अच्छे घर में रहते और अच्छे पैसे वाले आप लगते हो। तो मैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 आर के फ्लैट है और इसमें हम 3 लोग रहते, और जो अमाउंट जो इसका रेंट है, मुझे लगता है कि ये सबसे कम रेंट में मिलने वाला कमरा है और ये बिल्कुल भी आलीशान नहीं है। हाँ, इसे ऐसे रखा गया है ताकि अगर कुछ क्रिएटिव करने का मन हुआ या फिर कभी बाहर से थके हारे आए तो घर का एम्बियंस अच्छा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये जस्ट 1 आर के फ्लैट है और इसमें हम लोग 3 लोग रहते और हम खुश हैं इसमें। और आप देख सकते हैं मेरी उंगलियां, देख लो अभी अभी ना हो गई है, अभी अभी समझ में आ गया मेरे को। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ग्लव्स भी करना चाहिए था, पता है। और इजी कैसे होगा इसका पेंट करना, पूरे फ्रेम को सेटअप करके एक साथ पेंट करना था। ऐसे जो हाथ में लेकर कर रहे हैं ना, ज्यादा होशियार बन के। ये तो दिमाग मेरे अंदर भी नहीं आया कि मैं कि ऐसा कुछ करते हैं। अभी कहाँ रखे इसको भाई, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, कलर लग रहा है, लग रहा है। पेपर चाहिए पहले देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ही ना। ये मुझे तो अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ तो इसमें कुछ। हाँ, अच्छा लग रहा है। न्यूज़पेपर है आपके पास? ओ, ये तो पूरा का पूरा मामला ऐसा करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए ना, नाम को वैसे ही रहने दीजिए जिस कलर में है, बस उसके बस उस नाम के एरिया को पेंट मत कीजिए, मतलब उसके ऊपर ऊपर पेंट कर दीजिए सिर्फ उतना ना। एक ऊपर का प्लेट नहीं, रंजीत कृष्णा का पूरा मैट ब्लैक है, समझे क्या आप? फिर वो दिखेगा कि ये भी छोड़ा हुआ। क्या छोड़ा हुआ? फिर एक चीज और कर सकते हैं,
अच्छा आपको पूरा रनना पड़ेगा। एक चीज करते हैं कि पूरे को ब्लैक करते हाँ। और वाइट पेंट लाकर उस ब्रश को ना ऊपर से इस पे रब कर देंगे, ये वाइट हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ऊपर की तरफ हल्का हल्का अगर उसको टच करेंगे तो वाइट होकर चला जाएगा। प्लान ये है कि इसे मैं निकालूँ, ये यहाँ पे जो YouTube, इंस्टा और फेसबुक स्टिकर लगा होता है मैं इसे हटा रहा हूँ। और अभी जो प्लान है ये कि ये जो नाम लिखा हुआ है अभी इसको पूरा ब्लैक करते, इसे भी पूरा ब्लैक करते और वाइट कलर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो वाइट कलर और ब्रश से हल्का हल्का ऊपर से जैसे टच करते जाएंगे तो आई थिंक कि ये क्योंकि ऊपर की तरफ है तो ये वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे वाइट में चाहिए सर, ये ब्लैक और ये वाइट, आई थिंक कि वो काम कर जाए। तो वाइट पेंट भी है बट मुझे इसके बाद एक नया ब्रश लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैट ब्लैक है तो ब्रश की तो वाट लगने वाली है। ये ब्रश बहुत पुराना है, ये ब्रश मेरे पास पिछले 8-9 सालों से, ये मेरे बड़े भैया का ब्रश है। मैं जब मुंबई आ रहा था तो मेरे बड़े भैया को पेंटिंग का बहुत शौक है तो ये ब्रश मैं चुरा कर लेकर आ गया था लैपटॉप साफ करने के लिए, लैपटॉप के बटन साफ करने के लिए। तो इस वीडियो में उन्हें ये दिखने वाला है कि उनका वो ब्रश कहाँ गया, तो आज ये रहस्य भी खुल जाएगा कि वो ब्रश आकर गया था क्योंकि उन्हें बहुत शौक है, पेंटिंग का बहुत शौक है बट वो इतने बिजी रहते हैं कि वो वक्त नहीं दे पाते हैं स्केचिंग को और पेंटिंग को। अच्छा, बट बहुत शौक है उनको और धीरे धीरे हम कॉस्ट्यूम पे भी काम करेंगे। बस ये बात रिलीज नहीं करनी कि आखिर इसको बदला क्यों जा रहा है। हाँ, ये एक रहस्य रहेगा हमेशा कि इसे क्यों गोल्डन से ब्लैक किया जा रहा है, एक रहस्य है। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ जो बहुत जीनियस लोग होंगे वो समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसा लग रहा है कि इस फ्रेम ने आप खुद ब खुद नीचे बैठा दिया, नीचे बैठ के करो आप फिर से वही कोशिश कर रहे हैं। छूट गया यहाँ पे दिख रहा है, अभी उठाने के बाद चीजें दिख रही है कि छोटी हुई है। जितना कैमरे का वो दिख रहा है उतना उतना जगह लेता है बस। जिम जा नहीं रहे फिर भी आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वगैरह अच्छे दिख रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने कभी ऐसे नहीं सोचा कि 2-3 महीने कोई एक जॉब कर लेता हूँ तो उस हिसाब से थोड़े पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, फिर इस जो आपकी रिसेंट जो लाइफ है आर्टिस्ट वाली लाइफ है फिर इसको दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, कभी ऐसा थॉट नहीं आया दिमाग में? नहीं, जॉब का ख्याल तो आया है लेकिन ये जॉब करने का ख्याल आया और ये बहुत अच्छा जॉब है मेरे लिए और मैं खुश हूँ। और उस तरह के जॉब करने वाले लोगों की क्वालिटी अलग होती है, वो क्वालिटी है नहीं। अभी नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे वो ब्लैक फ्रेम के साथ आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है और एक्टर एटी और होम वो उस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि लोग अपने घर पे सोफे में बैठकर कुर्सी पर बैठकर लाइव एक्टिंग, लाइव इमोशंस, कॉफ़ी पीते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए इन्जॉय कर सके एक अच्छे म्यूज़िक के साथ, अच्छे लाइट माहौल के साथ। ये भी एक इनिशिएटिव है और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब जो लोग वीडियो देख रहे हैं जो मुंबई में हैं अभी फ़िलहाल मुंबई में, मुझे ये मौका दें कि मैं आपके घर आऊं और मैं आपके घर आकर परफॉर्म करूं। ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत बेहतर फील करवाने वाला हूं और आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अलग और एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस दूं। तो आप सब जो भी मुंबई से हैं और मुझे ये मौका दें अपने घर आने का, और धीरे धीरे YouTube की फैमिली बड़ी हो रही है मेरी, Instagram पे भी काफ़ी फैमिली मेरी बड़ी हो रही है और बहुत खुशी होती है कि ऐसे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। बड़ी ज़िद थी हमेशा से कि मैं बिल्कुल ओरिजिनल कुछ लेकर आऊँ और ओरिजिनल रहूँ, तो लोग अगर इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो अच्छा है और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि एक सपोर्ट मिले मुझे, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि
बहुत अच्छे कंडीशन पे मैं नहीं हूँ, बट मैं जिस कंडीशन पे हूँ वहाँ पे मैं हार नहीं मानना चाहता और न मानूंगा। रीज़न है कि मुझे ऑडियंस और फैमिली वालों का, दोस्तों का जो सपोर्ट मिल रहा है अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अगर वीडियोस को शेयर करोगे तो मुझे और हिम्मत मिलेगी और मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर काम कर पाऊँगा। और तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू। नमस्कार।